तो लोहे की जो रॉड है ना, जो TMT बार है, उसकी लैपिंग को लेकर अगर बात करें तो उसका जो सही फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर लोहे का जो TMT बार है उसको अगर सही से लैपिंग करना है तो उसका जो एक्चुअल फार्मूला है 50D, यानी कि जो भी आपके जो सरिया होगा, जो भी TMT बार होगा, उसका जो डायमीटर होगा ना, उस डायमीटर के साथ आपको 50 इंटू करना है। जो भी एग्जांपल निकलता है वही, मतलब जो वैल्यू निकलता है वही उतना मिलीमीटर आपको डायमीटर, मतलब उतना जितना वैल्यू निकलता है ना उतना ही आपको लैपिंग रखना होगा चाहिए, ठीक है ना। ये जो आप सरिया देख रहे हैं, मान लीजिए आपका ये जो है 16 मिलीमीटर का एक सरिया है, ठीक है ना। ये 16 मिलीमीटर का जो लोहे का TMT बार है, इस TMT बार को हमको लैपिंग करना है 16 mm को। तो 16 mm को लैपिंग करने के लिए हमारा फार्मूला होगा 50D, सबके लिए 50D होता है। तो 50 × D मतलब 16, 50 × 16 जितना वैल्यू निकल के आता है उतना ही मिलीमीटर हमें लैपिंग देना चाहिए। तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंच तक लैपिंग होता है एक 16 mm TMT बार का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर जो भी मिस्त्री होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो अगर सही से नहीं करता है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। मान लीजिए इसी तरह जो कंडीशन हो चुका है, आप आगे यहाँ पे देखिए, आगे जो 16 mm का जो भी रॉड आप देख सकते हैं, 4 16 mm का रॉड है, तो यहाँ पे हो गया है बाहर, देखिए ज़्यादा मतलब छोड़ के रखा नहीं गया है कि आगे जब ऊपर हम उठाएंगे तो लैपिंग ठीक से दे सके। यहाँ पे 2 फीट 6 इंच तक ये बाहर होना चाहिए था, लेकिन उतना ज़्यादा बाहर नहीं है, लगभग 1.5 फीट तक बाहर है। तो फिर भी 1 फीट और चाहिए था इसको लैपिंग देने के लिए। तो इस टाइम पे हम क्या करें, तो यहाँ पे देखिए काम हो चुका है। तो यहाँ पे करेक्शन करने के लिए हमें जो काम करना होता है, ये टेक्निकली थोड़ा सा मतलब सेफ करता है, उतना ज़्यादा जो लैपिंग ठीक से अगर होता तो वही ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन फिर भी हम इसे मैनेज तो करना होगा ना। अगर इसी तरीके से 1.5 फीट देकर अगर आप लैपिंग करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना होता है, ये देखिए ऊपर का लेवल है, ठीक है। तो ऊपर का लेवल है, नीचे से ऊपर का जो लेवल है, ऊपर तक आपको लेने के बाद ऊपर जो है ना, ऊपर इस AC 16 mm के साथ लैपिंग करके जो भी 1.5 फीट के बाद जो है ना 15 इंच तक लेफ्ट में, और राइट साइड वाला 15 इंच तक राइट में बेंड करके वॉल बीम के साथ लगा देना है, ठीक है ना। बेंड करने के बाद वॉल बीम के साथ थोड़ा सा जो भी मतलब एक डेवलपमेंट लेंथ जो बोला जाता है वो एक प्रोवाइड करना होता है 16 mm के साथ। इससे क्या होता है, जो आप नहीं दिए फास्ट में, तो ये जो वॉल बीम के साथ जब आप बेंड कर देंगे थोड़ा सा 15 इंच तक वॉल बीम के साथ, तो वो सपोर्ट ए मतलब वो कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। अगर इस तरीके का जो भी गलती है, यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये बहुत बड़ी गलती है, इस गलती को सुधरने के लिए आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहे तो बेल बटन को हिट कर देना, जैसे कि आगे भी और भी वीडियो आपको देखने को मिले। और ये जो आप देख सकते हैं, ये डे बाई डे हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर और भी कोई जानकारी चाहिए या क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना बिल्ड रियल्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।